हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं ये बुक एटीट्यूड एवरीथिंग जो जेफ केलर द्वारा लिखी गई है, टॉपिक है आप एक मानव चुंबक हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप सही हैं, ऐसा हेनरी फोर्ड ने कहा है। क्या कोई ऐसी चाबी है जिससे सफलता का ताला आसानी से खुल जाए? सफलता के बारे में लिखने वाले महान लेखक, प्रसारणकर्ता, ब्रॉडकास्टर और वार्ता आर्ट नाइटिंगेल ने द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट शीर्षक के अपने प्रसिद्ध रिकॉर्डेड संदेश में इस मुद्दे को उठाया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने सफलता के मंत्र को अंग्रेजी के केवल 6 शब्दों से परिभाषित किया है। हालांकि उन्होंने बाद में इन्हें विस्तार से समझाया है, किंतु इसकी सफलता का आधार यही 6 शब्द हैं। आप इन 6 शब्दों को जरूरी जानना चाहेंगे, है ना? खैर, इससे पहले कि मैं आपको सफलता का मंत्र बताऊं, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यही शब्द आपको असफलता भी दिला सकते हैं। तो क्या आप सफलता का मंत्र जाने के लिए तैयार हैं? वो मंत्र है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी हम जिस बारे में सोचते हैं वही बन जाते हैं। क्या आप इसका अर्थ समझ गए? इस विषय में रिसर्च करने पर नाइटिंगेल ने पाया कि सभी लेखक, दार्शनिक एवं धार्मिक नेता इस बात से सहमत थे कि हमारे विचार ही हमारे कर्म तय करते हैं। इस विषय से संबंधित कुछ महान विचारकों के अवलोकन इस प्रकार हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है, हमारा मन जिसके बारे में सोचता है और उस पर विश्वास करता है, उसे हासिल भी कर सकता है। बाइबल में भी सोच विचार करने के संदर्भ में निम्नलिखित संघों सहित कई लेख हैं। आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे कि वो होगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यदि आप विश्वास करें तो सब कुछ संभव है। राल्फ वाडो इमर्सन ने इस तरह कहा है कि मनुष्य वही बन जाता है जो दिन भर सोचता है। रॉबर्ट कॉरियर अपनी अंतर्दृष्टि को इस तरह प्रस्तुत करते हैं, इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। बस एक बार आपको इस तथ्य को मानसिक रूप से स्वीकार करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और अंततः हेनरी फोर्ड का जाना पहचाना वक्तव्य, जिसके अनुसार यदि आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, दोनों परिस्थिति में आप सही होते हैं। यह सिद्धांत कैसे कार्य करता है? आइए विस्तार से जानें कि यह विचार किस तरह कार्य करता है। यदि आप लगातार एक निश्चित लक्ष्य के बारे में सोचते रहें, तो उसे प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लें कि फ्रेड नामक एक व्यक्ति सोचता है कि वह प्रतिवर्ष $30,000 कमाने की क्षमता रखता है। फ्रेड एक मानव चुंबक की तरह रोजगार के उन सभी अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसे उस दिशा में ले जा सकें। यदि फ्रेड अपने इस विचार पर टिका रहेगा तो $30,000 कमाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि वो सोचना शुरू कर दे, मुझे अपनी परिवार की बढ़ती जरूरतों के लिए ज्यादा पैसे कमाने हैं, मैं $50,000 कमाना चाहता हूँ, तो क्या फ्रेड की आय बढ़ जाएगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रेड का $50,000 कमाने का विचार कितना पक्का है। एक संभावना यह है कि फ्रेड $50,000 कमाना चाहता है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं है कि वास्तव में इतनी रकम कमाने के योग्य है। इस स्थिति में फ्रेड अपनी आय के निर्धारित लक्ष्य $50,000 तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी ओर यदि फ्रेड लगातार $50,000 प्राप्त करने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है कि वह अपनी योग्यता से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, तो वास्तव में अपनी आय को $50,000 तक बढ़ा लेगा। जैसा कि आपको अपेक्षित है कि वह धारणा आर्थिक लक्ष्य तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए कि आप इस समय गोल्फ कोर्स में 95 के राउंड की शूटिंग पर कर रहे हैं। इस स्कोर को 85 तक नीचे लाने के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास कर आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने लगेंगे। आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोचिंग लेंगे, आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अंततः आप अपना स्कोर सुधार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। प्रबल विचार जो करे सारे दिन पर राज। आपका पावरफुल थॉट, प्रबल विचार जो करे सारे दिन पर राज। हम जिस बारे में सोचते हैं वही बन जाते हैं। इस विचार को लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट यानी प्रबल सोच का नियम कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम सभी के भीतर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो हमें अपने सामयिक प्रबल विचारों की दिशा में धकेलती है। यहाँ मुख्य शब्द है डोमिनेंट की प्रबल। यदि आप दिन में 10 सेकंड पॉजिटिव सोचते हैं और 16 घंटे नकारात्मक परिणामों के बारे में विचार करते हैं, तो सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते।
सौ बात की एक बात, जिस तरह भोजन का एक छोटा सा निवाला पेट नहीं भर सकता, उसी तरह थोड़े से पॉजिटिव विचार पॉजिटिव परिणाम नहीं दिला सकते। यह तो ऐसा हुआ, वजन घटाने की दृष्टि से हेल्दी लो कैलोरी नाश्ता किया जाए और फिर दिन भर केक और आइसक्रीम पर हाथ साफ किया जाए। यही बात व्यायाम के लिए भी लागू होती है। सप्ताह में एक दिन कुछ मिनट व्यायाम करके आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की अपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे भी बताया गया है कि आपको आपके विचार को प्रबल रखना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने भर से ही कार्य नहीं होगा, कार्य भी करना पड़ेगा। जिस तरह से आप सोचते हैं कि हम ब्रेकफास्ट में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लेते हैं, तो आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद आप केक खाते हैं और बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो इससे आपका वजन कम नहीं होने वाला। आइसक्रीम भी खाते हैं आप इस तरह से। तो इस तरह से सप्ताह में एक दिन कुछ मिनट व्यायाम करके आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जितना बड़ा रिजल्ट चाहिए उतना बड़ा मेहनत और उतने बड़े प्रयास करना पड़ेगा, उतने पॉजिटिव विचार भी रखने पड़ेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग भी इसी तरह की है, थोड़े से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अपनी मानसिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा। प्रतिदिन हम सब पॉजिटिव सोचना, हर समय पॉजिटिव सोचना पड़ेगा जब तक ये आदत ना बन जाए। अतः इसे अपने प्रबल सोच प्रवृत्ति या थॉट पैटर्न बना लें। कहने का मतलब, आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, अपने विचारों में पावर लाना पड़ेगा। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने प्रबल विचारों पर गौर करें, क्या वे आपकी सहायता कर रहे हैं या फिर आपके पीछे खींच रहे हैं। एटीट्यूड सुधार कर मैं बना रियल एस्टेट का मालिक। पॉजिटिव सोच की शक्ति दर्शाने के लिए मैं अपना एक निजी उदाहरण देना चाहूंगा। 1970 के दशक एवं 1980 के दशक के शुरुआती सालों में मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र के कई लोग निवेश की दृष्टि से घर खरीद कर उन्हें किराए पर चढ़ा कर बहुत पैसा कमा रहे थे। हर साल घरों की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि होती जाती थी। हालांकि किराएदारों की समस्याओं को उससे निपटने का सिद्ध दर भी था, लेकिन फिर भी निवेशकों को जो परिणाम मिल रहे थे वे अविश्वसनीय थे। मैं सोचता था कि मुझे भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होम खरीदने चाहिए, लेकिन मैंने इससे संबंधित कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं लगातार खुद पर संदेह करता रहा। मेरी सोच पर भी वे सभी बातें हावी थी जो गलत हो सकती थी। सरल शब्द में कहें तो मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अपनी इस तरह की निगेटिव सोच के चलते मैं प्रॉपर्टी निवेश की दिशा में कोई कदम नहीं उठा सका। कहने का मतलब, मैं प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में हमेशा निगेटिव सोचता रहा, और जिसकी वजह से मैं कोई एक्शन नहीं ले पाया और मेरे को इसका परिणाम भी नहीं मिला। हालांकि जब मैंने अपने एटीट्यूड के पावर और विश्वास से संबंधित पुस्तकें पढ़नी और इससे संबंधित टिप्स सुननी शुरू की, तो मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना एटीट्यूड बदलने का फैसला कर लिया। लेकिन जब मैं एटीट्यूड के पावर और अपने विश्वास से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चालू किया और कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बुक्स पढ़ना चालू की, तो हमारा एटीट्यूड बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हमारा विश्वास बदल गया। 1986 की गर्मी में मैंने यह तय किया कि इस साल के अंत में मैं दो इन्वेस्टमेंट होम खरीद कर रहूंगा। इस बार मैं अपने मन में कोई भी निगेटिव विचार नहीं आने दूंगा। तो ऐसा लेखक कह रहे हैं कि हम इस तरह से अपने आप को डेवलप किए, हमारे अपने एटीट्यूड को चेंज किए, अपने अंदर के बिलीफ को पैटर्न को चेंज किया, तो हम फिर दो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट करके दो मकान लेने में हम ले सकते हैं, ऐसा हमको पूरी तरह से विश्वास डेवलप हुआ। 6 महीनों तक मैंने एक ही बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया, दो इन्वेस्टमेंट होम की खरीदी, और 6 महीने पर हम पूरा हमेशा यही ध्यान करते रहे, फोकस कर रहे हैं कि बस 6 महीने में हमको दो मकान लेना है। प्रतिदिन कई बार मैं अपने इस लक्ष्य को कॉपी में लिखता था, कई बार उन्हें पढ़ता था, कई बार मैं इसको राइट डाउन करता था, उसको बार बार रिपीट भी करता था। मन के भीतर कहीं गहरे यह विश्वास पक्का हो गया था कि मैं इस वर्ष के अंत तक दो घर खरीदूंगा, और मेरे मन में पूरी तरह से विश्वास हो गया कि इस महीने के अंत तक हम इस वर्ष के अंत तक मैं ये दो मकान जरूर खरीदूंगा। शाम के समय में और वीकेंड पर मैं रियल एस्टेट एजेंट के साथ घर देखने जाता था। मैं लगभग 100 घर देखे थे और लगभग सैकड़ों के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो इस तरह से मैं मकान देखने के लिए पूरी एक्टिविटी पूरी तरह से प्रयासरत हो गया, और मैं मकानों को ढूंढना एजेंट के साथ मिलकर काम चालू किया। बहुत सारे मकान हम देखते थे और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करते थे। 1986 के पतझड़ के मौसम मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी ली, और 1986 में विंटर का सीजन था, उस समय मैंने इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी खरीद भी ली। अपनी उपलब्धि के इस एहसास को मैं व्यक्त नहीं कर सकता, मैंने वो किया था जिसके लिए मैं ही स्वयं को रोक रहा था। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैंने वही कर दिखाया जिसके लिए मैं खुद ऑब्जेक्शन करता था, खुद पर रोक लगाता था, लेकिन उसी काम को मैं अपने विचार को चेंज करके, अपने
अपने एटीट्यूड को चेंज करके, अपने विश्वास को चेंज करके उसको हम प्राप्त करने लगे। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था, और फिर 29 दिसंबर को यानी साल खत्म होने के दो दिन पहले मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया और दूसरा इन्वेस्टमेंट होम भी खरीद लिया। और पूरा लक्ष्य 29 दिसंबर को यानी उस वर्ष का लास्ट मंथ चल रहा था, उसके में दो दिन बाकी थे, तो उस दिन मैंने इस चीज को भी दूसरा मकान भी खरीद लिया। अब जब मैं सोचता हूँ कि 1986 में रियल एस्टेट कैसे खरीद सका जबकि उसके पहले कई वर्षों तक मैंने ऐसा नहीं कर सका, इसका उत्तर खुद ब खुद मेरे सामने आ जाता है। तो जब मैं इसके बारे में सोचने लगता हूँ तो मैं खुद इसका आंसर मेरे को मिल जाता है। 1986 में मुझे विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकूंगा। उस वर्ष मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड अधिक था जिसने मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। ये मेरे लिए पूरा अनुभव बहुत मूल्यवान और विस्मयकारी था, या कहें कि अमूल्य था, क्योंकि इसने मुझे यह सिखाया कि जब हम स्वयं पर विश्वास कर पॉजिटिव सोच पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसने मेरे को ये लेसन सिखाया कि जब हम खुद पर विश्वास करके किसी भी पॉजिटिव सोच पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो चीज हमको, वो लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाता है। एटीट्यूड बनाम एक्शन कार्रवाई, यानी एटीट्यूड तो है, आप सोच तो रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एटीट्यूड के साथ साथ आपको एक्शन लेना जरूरी है। मैं सोच की बात कर रहा हूँ कि इसलिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ एक्शन का क्या काम है। यह सही है कि आप एक्शन लिए बिना परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते। ध्यान रहे कि सोच एक्शन यानी कार्रवाई से आगे चलती है। सोच जो है ना एक्शन के पहले आती है। सोच, मैं शुरू से ही जानता था कि यदि मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए, यानी रियल्टर से संपर्क करना, प्रॉपर्टी देखकर आना, अखबारों के वगैरह के विज्ञापन पढ़ना आदि। लेकिन जब तक मेरे भीतर निगेटिव बिड था तब मैं इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा सकता था। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जब मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था तो उस समय एक्शन जब लेना चालू किया तो मैं रियल इस्टेट के जो ओनर्स होते हैं उनसे मैं संपर्क करता था, उनके साथ मिलकर मैं प्रॉपर्टी देख कर आता था, अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट छपता था उसके बारे में भी मैं देखता रहता था कि कहाँ कहाँ पे ऐसे मकान दिख रहे हैं, बन रहे हैं, जिनको मैं मेरी अप्रोच में है और मेरी हिसाब से सही है, उनको मैं देखूं और उसको लेने की कोशिश करूं। तो जब इस तरह से मेरा निगेटिव एटीट्यूड था तो मैं इस दिशा में, इस बारे में कभी भी एक्शन नहीं ले पाता था। लेकिन जब मेरा एटीट्यूड बदला तो मैं इसमें एक्शन लेना चालू कर दिया। जिस क्षण मैंने अपना एटीट्यूड बदला मैं कार्रवाई करने या एक्शन लेने के लिए बाध्य हो गया और फिर मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सका। और इस तरह से फिर मैं जब काम करना चालू कर दिया तो मेरे को रिजल्ट मिलते आए। इसलिए मेरा कहना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का प्रारंभ बिना बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव विश्वास तंत्र ही होता है। यानी कहने का मतलब किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना पॉजिटिव विश्वास तंत्र होता है, आपके अंदर का विश्वास ही होता है। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कभी भी उसके लिए किसी भी कार्य को क्रियान्वित नहीं करेंगे, कोई भी एक्शन आप नहीं लेंगे। यदि आपका प्रबल विश्वास है कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो आप उस दिशा में बढ़ने के लिए जरूरी कदम उठाना शुरू कर देते हैं। यदि आपको पूरा विश्वास रहता है कि इस दिशा में हम इसको मेरे को लेना ही है और आपको पूरी तरह से विश्वास डेवलप हो जाता है तो फिर आप उसके लिए एक्शन लेना चालू कर देते हैं। परिस्थितियां आपकी सोच को जाहिर कर देती हैं। इस तथ्य का सामना करें कि आज आप जहां हैं वहां अपने विश्वास या विचारों के दम पर ही है। इस तथ्य पर विचार करें कि आप जहां पर आज हैं वो अपने विचारों की बदल से या विचारों और विश्वासों की वजह से हैं। और इसी से भी आगे भी आपकी सोच ही निश्चित करेगी भविष्य में आप क्या होंगे, और इसके आगे भी आपकी सोच ही निश्चित करेगी कि आप भविष्य में कहाँ होंगे। वास्तव में जीवन के हर क्षेत्र में आपको मिले परिणाम आपके मन की गहराइयों स्वयं के बारे में आपकी सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। वास्तव में जीवन में हर फील्ड के बारे में जो आपको अचीवमेंट मिलते हैं, जो आप जीवन में प्राप्त करते हैं, जो रिजल्ट परिणाम मिलते हैं, वो आपके मन की गहराइयों में के अंदर छुपे हुए विचार और विश्वासों के इमेज आपके अंदर बने रहते हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलते हैं। फाइनेंस को एग्जांपल के तौर पर ले लें। इस क्षेत्र के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप लगातार ये सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है? क्या आप पैसे के बारे में क्या सोचते रहते हैं हमेशा कि मेरे पास पैसा नहीं है? यदि आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आपके पास इसके ही झाड़ फलेंगे और पूरी तरह से आप ग्रसित हो जाओगे, पैसे से आप दिवालिया हो जाओगे, क्योंकि आप इसी की फसल रोप रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं है। इसकी इतनी उपजाऊ फसल उगेगी कि एक दिन आप
आपको रहना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आप इसी के बीज बो रहे हैं। इस क्षेत्र के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप लगातार ये सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है? यदि आप इस सोच पर पैसों की कमी कायम रहेंगे तो आप पैसों की आवक रोक देंगे। यदि आप इस तरह से आप सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप पैसे की आवक आने वाली भी पैसे आपके पास नहीं आएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसी चीजें। अब संबंध का मुद्दा लें। यदि आप ये सोचेंगे कि आप कुछ ज्यादा डिजर्व नहीं करते, यानी ज्यादा कुछ पाने के अधिकारी नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ लेखक बता रहे हैं, यदि आप ऐसे अपने मन में विचार लाते हो कि नहीं, हमारी योग्यता नहीं है, हम इसको डिजर्व नहीं करते हैं, हम इस पैसे को पाने के काबिल ही नहीं है, तो आपको, यदि आप ऐसे मन में विचार रखते हैं, तो आपके दोस्त भाई पड़ोसी परिवार और हर एक घर में ऐसे ही लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, मिलेंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे, जो कड़के और पूरी तरह से पैसों की कमी के अभाव वाले रही लोग रहेंगे। चाहे वो आपके घर का मेंबर हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका दोस्त हो, हर एक उसी कैटेगरी के आप लोग मिलेंगे और आप और वो मिल मिलकर खेल खेलेंगे और इसी तरह से डूबते जाएंगे। तो आपको ऐसे दोस्त और पार्टनर मिलेंगे जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इस तरह से ऐसे आपके पार्टनर मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वही विचार चलते हैं और उन्हीं विचारों से आप ऐसे लोगों को ही आकर्षित करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा गलत लोगों के साथ घूमते फिरते हैं। मैं ऐसा कुछ बता रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा गलत लोगों के साथ घूमते रहते होंगे। वास्तव में पिछले दिनों में 20-30 लोगों के साथ घूमते रहते थे, वे उनके लिए सही नहीं थी। आपको लगता है कि ये महज एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है ये संयोग है? संयोग नहीं है, ये ऐसे ही होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांडी शक्तियां आपको ऐसे ही लोगों को भेजती है आपके पास। सभी चीजें उसी ढंग से आपके पास आती हैं, अट्रैक्ट होके। ऐसे उस व्यक्ति के मन में कहीं गहराई तक जमा विश्वास है जो उन लोगों को उस व्यक्ति और आकर्षित करता है। आप जिस आदमी को अपनी ओर या जिस वातावरण को, जिस परिस्थिति को, जिन भी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसका कारण सिर्फ एक ही है, वो आपके अंदर के, आपके माइंड में अंदर छिपा हुआ वो विचार और वो विश्वास, जिसकी वजह से आप लोगों को, परिस्थितियों को, वातावरण को, सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम चाहे फाइनेंस की बात करें, चाहे आपसी संबंधों की या फिर करियर की ही बात क्यों ना करें, सबके पीछे एक ही तत्व काम करता है। यदि आपके विचार नहीं बदलेंगे तो कोई भी परिणाम नहीं बदलेगा। यदि आपके विचार नहीं बदलने वाले हैं तो आपके रिजल्ट परिणाम भी कभी नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए आपको अलग विचार चाहिए तो आपको अलग सोच, अलग विचार आपको रखना पड़ेगा। अपनी सोच बदलें। मेरे पास बढ़िया समाचार है, आप अपने विचार बदल सकते हैं और उसके द्वारा अपने कार्यों से मिलने वाले परिणाम भी बदल सकते हैं। आइए जाने कैसे। शुरुआत में इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आप दिन भर खुद से क्या कहते हैं। आप पहले इसके बारे में रखें, आप दिन भर अपने आप सोचते रहें कि हम क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बातें करते रहें। हम सभी के भीतर एक अंतरात्मा की आवाज होती है। अधिकांश हम खुद से ही जो भी कहते हैं वो निगेटिव, आलोचनात्मक और आत्मसीमित करने वाला होता है। हम हमेशा अकेले में भी अपने आप से जो बातें करते हैं वो हमेशा निगेटिव, आलोचना भरी हुई और लिमिटेड, आत्मसीमित करने वाले बातें करते हैं। आप खुद से यह कहते हुए पाए जाते हैं, यह मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं हमेशा हर काम बिगाड़ देती हूँ। आप हमेशा अपने आप से यही कहते रहते हो और दूसरे के साथ भी यही कहते हो, अपने पड़ोसी के साथ यही कहते हो, अपने बच्चों के साथ यही कहते हो, अपने बड़े बूढ़ों के साथ यही करते हो, आपके घर के छोटे बच्चों के साथ यही कहते हो, क्योंकि आपके अंदर वैसे विचार चलते रहते हैं दिमाग में और इसीलिए हमेशा यही कहते रहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं हमेशा ये काम बिगाड़ देता हूँ, मेरे से ये काम हमेशा बिगड़ जाता है। ऐसे विचार आपके विरुद्ध काम करते हैं और ऐसे विचार आपके विरुद्ध काम करते हैं। इसके बजाय खुद से बार बार ये कहें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या करेंगे। इसके बजाय आपको ऐसा कहना चाहिए कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त कर सकते हैं। हम इस पुस्तक के भाग 2 में इस विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन आप नियमित रूप से जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में आपका जागरूक होना जरूरी है। आप जो अपने आप से बातें करते रहते हैं दिन भर या दूसरों से भी बातें करते हैं, उनके बारे में गौर करिए और उनके बारे में जागरूक होइए।
जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन को नष्ट कर देंगे, सड़ा देंगे। उसके बारे में आपका जागरूक होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, क्या आप उन चीजों लक्ष्यों के बारे में बोलते हैं जो आपके पास कभी नहीं थी? क्या उन चीजों के बारे में हमेशा बोलते हैं जो आपके पास कभी नहीं थी, या जिन्हें आप कभी प्राप्त नहीं कर सके, या जिनको आप कभी प्राप्त नहीं कर सके उसके बारे में बोलते हैं? क्या आप खुद अपनी तौहीन करते हैं? क्या अपनी आप खुद की तौहीन करते हैं? जब आप अपनी आप से अपनी चीजें अपने लिए आप बात करते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, तो इससे बड़ी तौहीन कौन होगी? आप अपनी तौहीन खुद करते हैं, आप अपने खुद को नीचा दिखाते हो और फिर भी आप बड़े खुश होते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। कोई दूसरा ऐसे ही आपके बात कर देता है तो आपको तौहीन ही लगती है, लेकिन जब अपने आप से बार बार रिपीट करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, अभी आपको कोई बोल दे तू गधा है, तू ये नहीं कर सकता, तेरे को तब कितना गुस्सा आता है, तब आपको कितना ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे को क्या बोल रहा है, कि मेरे को बोल रहा है, गधा भी बोल रहा है और मैं नहीं भी कर सकता। लेकिन जब अपने आप को बार बार रिपीट करते हो कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तब आपको अपने आप की तौहीन ही नहीं लगती है, अपने आप को बड़ा गर्व महसूस होता है। कहने का मतलब, क्या विचार है आपके, क्या सोचने जैसे, आपकी क्या राय है अपने बारे में, क्या राय है, और दूसरा जब आपको देता है तो आपकी राय कैसे बदल जाती है। इसी कारण आप किसी चुंबक की तरह उन घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जो आपके प्रबल विश्वासों से मेल खाती है। अतः यह तय कर लें कि आप अपने और अपने लक्ष्य के बारे में पॉजिटिव और केवल पॉजिटिव ही बोलेंगे। इसलिए आप ये हमेशा नक्की कर लें, तय कर लें कि जब भी आप अपने बारे में बोलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। दोहराव का मंत्र अपनाएं। निम्नलिखित दो चरण आपको अधिक पॉजिटिव बनाने का इच्छित परिणाम दिलवाने आपकी सहायता करेंगे। दो चरण बताए गए हैं जो आपको पॉजिटिव बनने में ज्यादा मदद करेंगे। पहला चरण है, प्रतिदिन 15 से 30 मिनट कुछ पॉजिटिव और प्रेरक उत्साहवर्धक साहित्य पढ़ने के लिए समय निकालें। हर दिन 15 मिनट से कम आधा घंटा पॉजिटिव प्रेरक उत्साहवर्धक साहित्य, कोई भी साहित्य, कोई भी बुक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, रुचि हो, जो जिससे आपको प्रेरणा मिले, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, जो आपके उत्साह को बढ़ाए, वैसा साहित्य पढ़ने के लिए समय निकालें। रात में सोने से पहले कुछ पढ़ना भी एक अच्छा विचार है। रात में सोने से पहले भी कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं ना, तो भी एक बहुत बड़ा एक विचार है, अच्छा विचार है। आजकल हजारों की संख्या में प्रेरक पुस्तकें, लेख उपलब्ध हैं जिनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। दुनिया भर का आज सब चीजें अवेलेबल है, कंप्यूटर में, मोबाइल में, या जो चाहे जो बुक पढ़ सकते हो, जब चाहे तब पढ़ सकते हो, लेटे लेटे पढ़ सकते हो, खड़े खड़े पढ़ सकते हो, बैठे बैठे पढ़ सकते हो, खाना बनाते समय पढ़ सकते हो। एक कोई भी इतना अच्छा आज के समय में जो चीजें उपलब्ध हैं, पहले जिंदगी में कभी कोई जानता भी नहीं था और ऐसी उपलब्धि भी नहीं थी, इतनी बढ़िया चीजें उपलब्ध हैं। आपको जिस तरह का साहित्य आकर्षित करता है आप उसे पढ़ सकते हैं, चाहे वो बाइबिल हो अथवा अन्य कोई आध्यात्मिक सामग्री, या फिर लोगों की प्रेरक जीवनियां ही क्यों ना हो, किसी तरह का आप साहित्य पढ़ सकते हैं। रामायण हो, महाभारत हो, बाइबिल हो, कुरान हो, आध्यात्मिक सामग्री हो, या लोगों के जीवन की प्रेरणा हो, ईसा मसीह की हो, महात्मा गांधी की हो, आपके जो प्रेरक लोग हैं जिनको आप प्रेरणा स्वरूप मानते हो, अहिल्याबाई है, महारानी लक्ष्मीबाई है, किसी के भी आप पढ़ सकते हैं। आप किसी भी बुक स्टोर या लाइब्रेरी के आत्म सुधार विभाग में सफलता पर आधारित पुस्तकों की एक बड़ी श्रृंखला में आप अपनी मनपसंद पुस्तक का चुनाव कर सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। चरण दो, दूसरा चरण बताया, प्रतिदिन कुछ प्रेरक ऑडियो कार्यक्रम सुने। रोज कुछ न कुछ ऑडियो, मोबाइल में ही, यूट्यूब में, हर जगह आते रहते हैं प्रेरक, उनकी आप प्रेरक कार्यक्रम ऑडियो प्रोग्राम सुने। आप उन्हें यात्रा करते समय, घर पर, या अपने नियमित एक्सरसाइज सेशन के दौरान भी सुन सकते हैं। आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में कान में लगा लिया सुन रहे, आप यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आप वहाँ पे सुन सकते हैं इसको। तो आप किसी भी समय एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लगा के रख दिए, एक्सरसाइज भी हो रहा वो भी सुन रहे हो, मतलब कितना बढ़िया आज के समय में इतनी बढ़िया साधन सामग्री सब मतलब आपके पास अवेलेबल है, फिर भी आप दुखी और कष्ट से झेल रहे हैं। सोच रहे दोहराओ कि ही इसका दूसरा मूल मंत्र है, जब आप इस तरह के संदेश बार बार सुनते हैं तो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं और अपने जीवन को सुधारने के लिए उन पर अमल करना आरंभ कर देते हैं। बेशक इस तरह के ऑडियो कार्यक्रम एक्शन यानी कार्रवाई का विकल्प नहीं है,
यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह इन विचारों का क्रियान्वयन करते हैं। अतः यदि आप प्रतिदिन कुछ पॉजिटिव पाठ सामग्री एवं प्रेरक ऑडियो कार्यक्रम सुने तो आप अपने जीवन में असाधारण फर्क महसूस करेंगे। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि यदि आप इन तकनीकों से अनुशासित रूप से जुड़े रहेंगे तो ये बहुत कारगर साबित होती हैं। इस अध्याय से प्राप्त सबक, अपनी सोच बदलें और फलस्वरूप अपनी जिंदगी आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में सोचते हैं। रातों रात मिलने वाली सफलता पर निर्भर ना रहें। लॉटरी नहीं है सफलता, ले लिया और हो गए। रातों रात सफलता नहीं मिलती है, इसलिए ऐसे विश्वास पर कभी भी ना रहें। किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले मैं पॉजिटिव सोच की शक्ति के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पॉजिटिव सोच का यह अर्थ नहीं है कि आप रातों रात अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। पॉजिटिव सोच का यह मतलब नहीं है कि रातों रात आपको कोई भी चीज मिल जाएगी, यह नहीं हो सकता। आप पैसा कमाने के बारे में सोचें और अगली सुबह आपके सिरहाने में पैसों का ढेर लग जाए, यह बिल्कुल संभव नहीं है। सफलता प्रयास, प्रतिबद्धता और धर्म मांगती है। सफलता क्या मांगती है? एफर्ट, प्रयास लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कटिबद्ध रहना पड़ेगा। आपको डिटरमिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात, पॉजिटिव सोच का अर्थ यह नहीं है कि आपके सामने अब कोई और समस्या नहीं आएगी। पॉजिटिव सोच का मतलब यह भी नहीं है कि जिंदगी में आपको अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ऐसा पॉजिटिव सोच का मतलब नहीं होता है। सफलता की राह में आपके सामने कई विघ्न आएंगे, लेकिन यदि आप स्वयं पर विश्वास कायम रखते हैं, एक्शन लेते हैं और अपनी राय में डटे रहते हैं तो आप इन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी, हर एक के जीवन में आती है। दुनिया में कोई भी इस यहाँ धरती पे इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। प्रॉब्लम तो भगवान के दिए हुए वरदान है, वो तो आना ही आना है, सबको मिलने वाले हैं और कभी भी मिलने वाली है। इसका भी कोई समय इस टाइप से निर्धारित नहीं रहता है कि 15 दिन में आप 15 साल में मिलेगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। हर दिन कोई ना कोई कोई प्रॉब्लम सबको आती ही रहती है, तो उस तरह से आप उनसे कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पांस देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कितना उनके बारे में पॉजिटिव रहते हैं आप और उसको कितने अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। क्योंकि आप निगेटिव रहेंगे तो आप उसी के साथ झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, इधर उधर करेंगे, लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे तो उसको प्रेम से हैंडल करेंगे, समझेंगे कोई बात नहीं, ऐसा आता रहता है, देखते हैं क्या होगा, कैसा इसका सलूशन निकलेगा, कौन हमारी इस समस्या को हम कैसे टेकल करेंगे। कहने का मतलब ये, आप इसके बारे में सोचते रहते हैं। याद रखें, आप निरंतर अपने प्रॉब्लम विचारों की दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने जीवन काल में जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं वे आपकी सोच और विश्वास के द्वारा आप पहुंचती है। निगेटिव सोच से निगेटिव परिणाम उपजते हैं, पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव परिणाम उत्पन्न होते हैं। अपनी एटीट्यूड की खिड़की स्वच्छ एवं चमचमाती रखें, अपनी एटीट्यूड की खिड़की को पोंछ कर रखें एकदम से चमचमाती हुई, जिससे पॉजिटिव विचारों का प्रकाश भीतर आ सके, जिससे पॉजिटिव प्रकाश जो है आपके अंदर आ सके, मतलब पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में आ सके और निगेटिव चीजें आपके अंदर प्रवेश ना करें। इस ऐसे सफाई करने का, विंडो का सफाई करने का मतलब है। यदि आप निगेटिव परिणाम नहीं चाहते हैं तो निगेटिव विचारों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। आपको निगेटिव परिणाम नहीं चाहिए तो निगेटिव विचार छोड़ना, सोचना छोड़ दो। और मैं जानता हूं कि आप निगेटिव परिणाम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि आपको निगेटिव चीजें कोई भी नहीं चाहिए। अतः इसी क्षण से समझदारी से अपने विचार चुने और इस शक्तिशाली सिद्धांत का उपयोग कर अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करें। इसलिए अभी से अच्छा विचार और अच्छी समझदारी से विचार चुने और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर मैंने पूरा किया।